डर से ज्यादा मेरा खौफ है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ब्लॉग चैनल जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। दोस्तों जैसा कि आज ईद है तो सबसे पहले ईद की ढेरों शुभकामनाएं हमारे जो भी भाई हैं और आप लोग खुश रहें और आपसी भाईचारा बना के रखें, हम सभी एक दूसरे का जो है साथ दें और यही ज़िंदगी है दोस्तों, इसी से देश भी आगे बढ़ती है। तो फाइनली आज हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, किसी के भाई किसी की जान, सलमान खान का है। लोग कहते हैं कि उनको आज के दिन ईद ही दिया जाता है फिल्म देख करके, तो हम भी दे रहे हैं भाई, हम भी जा रहे हैं देखने के लिए। और फिल्म देखनी चाहिए, जीवन में मनोरंजन भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लाइफ स्टाइल कामों से भरा हुआ है तो फिल्म देखना चाहिए, या और कोई मनोरंजन कुछ चाहिए ही जीवन में यार, रिफ्रेश होने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ फिल्म देखने, 12 बजे का टिकट है, ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। और ऑनलाइन में यही है कि लाइन में नहीं लगना पड़ता है, कुछ ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन अच्छा रहता है, टिकट ले लो कुछ ज़्यादा पैसा दे करके और डायरेक्ट हॉल में जाओ। तो आज हम लोग जा रहे हैं, धूप तो इतनी ज़्यादा है दोस्तों, क्या बताऊँ, निकलने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, आप लोगों का प्यार है तो ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे इसके लिए कुछ भी यार, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या ही परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जो भी हम ब्लॉग डालें सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे और आप लोग उसे देख करके एंजॉय करें। और ऐसे ही वीडियो में प्यार आप लोग दिखाते रहें और हम भी आप लोगों से मोटिवेट होकर के अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को देते रहें। अगर इस मूवी का रिव्यू अगर आप लोगों को देखना है तो एक हम लोगों ने नया चैनल भी ओपन किया है, द रियल टॉक, उस पर इस मूवी के बारे में विस्तार पूर्वक इस पर बातचीत आज होगी। इससे पहले किसी के भाई किसी की जान के बारे में वीडियो डाला जा चुका है कि फिल्म कैसी बनेगी और इसमें क्या क्या एक्टर ने क्या क्या काम किया है, डायरेक्टर साहब ने इसमें कैसे सबों से काम करवाया है। तो अगर वो वीडियो अगर देखना है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस पर जा करके इस मूवी के बारे में रिव्यू, ताकि आप लोगों को पैसा देने से पहले एक सही जानकारी मिल सके, ताकि आप लोग फिल्म देखने में कोई त्रुटि आप लोग के मन में न रहे। और एकदम पेड रिव्यू नहीं होगा दोस्तों, ईमानदारी पूर्वक रिव्यू हम लोग देते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फेक रिव्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग दर्शक बन के जाते हैं और हम सभी जानते हैं कि फिल्म देखने में आप पैसे कुछ ज़्यादा ही दिया जाता है, पैसे खूब लगते हैं फिल्म देखने में, और वो फिल्म अगर अच्छी नहीं है तो फिल्म क्या ही, मन उदास हो जाता है और पॉकेट में भी हाथ डालने में डर लगता है कि यार पैसे ख़त्म हो गए। तो यही है, अगर फिल्म का रिव्यू ऑनेस्टी पूर्वक देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द रियल टॉक चैनल का जो है लिंक है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो है ही, एंजॉय करते रहिए। तो ठीक है, ऐसे कौन पार्क करता है गाड़ी? कि हमने वादा किया था हॉल में जाने के बाद हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, हम फिर से हाजिर हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हो सकता है कि हमारी आवाज़ कम सुनाई पड़ रही हो, लेकिन वो ठीक है, वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कितनी भीड़ है, लेकिन ठीक है, भीड़ है तो मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी बनी होगी। अब अभी कैसे पूरी तरह से बता नहीं सकते हैं, कान का चदरा खराब हो जाएगा, और अंदर जाकर के फिल्म देखने के बाद हम आप लोगों के सामने रिव्यू करेंगे। तो हम लोग अपने अपने सीट पर बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे रियल टॉक के तीनों मैनेजर अपने अपने ब्लॉग शूट में लगे हुए हैं। भाई साहब फिल्म देखने के लिए बड़ी उम्मीद से आए हैं हम लोग, फिल्म अगर अच्छी नहीं हुई तो भाईजान का होने वाला ही है। उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छी हो और अच्छी बनी हो, उसके बाद फिर हम बताते हैं आप लोगों को। तो चलिए अब ब्लॉगिंग बंद करते हैं, हम मिलते हैं घर पे,
और घर पे कुछ और बातों के साथ वीडियो को एंड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग आराम करिए, खाना नहीं खाएंगे तो खाना खा लीजिए। चलिए तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि फिल्म देखने के बाद जब हम घर जाएंगे तो फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे, और मैं उपस्थित हूँ एक कप चाय के साथ। चाय बाद में पीऊँगा, पहले आप लोगों से बात कर लूँ। तो फिल्म यार देखो, ऑनेस्टी बताता हूँ, फिल्म जो है वाकई में अच्छा है। गजब यार, दर्शकों को खींचेंगे फिल्म, और फिल्म में सभी मसाले मौजूद हैं। गाने तो ज़्यादा है लेकिन आपको बोर फील नहीं होगा गाने सुनने के बाद। थोड़ा ज़्यादा देर का नहीं है, एक दो मिनट से ज़्यादा का गाना है भी नहीं, और आपको बोरिंग फील नहीं होगा गाना सुनने में। गाने अच्छे हैं, म्यूजिक भी अच्छा है, और बैकग्राउंड, खासकर बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक वाकई में अच्छा है। फिल्म को वही संभाल करके रखे हुए हैं, और वाकई में अच्छा है बैकग्राउंड। जब सलमान खान का जो भी सीन आता है और बैकग्राउंड जो म्यूजिक, भाई सब गुंडा एकरा लड़की के लिए है, वो वाकई में लाजवाब म्यूजिक है। और एक फिल्म को हिट करवाने में बैकग्राउंड म्यूजिक का भी एक अपना ही कमाल होता है। जितने बड़े एक्टर होते हैं उतने ही बड़े उसमें म्यूजिक भी डालना पड़ता है, तो ये सारी सब चीज़ है उसमें। और एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है और बेहतर बन सकती थी अगर एक दो कलाकारों को रिप्लेस कर दिया जाता तो। क्योंकि सलमान भाई को हम सभी जानते हैं कि वो HR का भी काम करते हैं, बेरोजगारी हटाने का भी काम करते हैं, इसी के चक्कर में एक दो एक्टर को ऐसे उन्होंने इसमें कास्ट कर लिया जिसको एक्टिंग नहीं आती। खासकर वो बॉक्सर थे, उनको डायलॉग डिलीवरी भी सही से नहीं हो पा रही थी। अगर उनके जगह पे कोई अदर जो एक्टर होते हैं वाकई में फिल्म और अच्छी बनती, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब क्या ही कर सकते हैं, फिल्म आप लोग जाएँ देखने, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और हम एक दो साथी भी गए थे उनको भी अच्छा लगा, और यही चीज़ आप लोगों के सामने हम शेयर कर रहे हैं। और आप लोग भी फिल्म देख सकते हो, फिल्म अच्छी बनी है। सलमान खान का इतना बड़ा ओहरा है कि वो अकेले ही फिल्म को संभाल करके रखे हुए हैं, और वेंकटेश सर, उनका तो क्या ही कहना है। साउथ का जो फ्लेवर वो डालते हैं और वो लाते हैं, एक अलग है, अलग लेवल का उनका एक्टिंग रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जाएंगे। देखो गजब सिकासी, वाह, अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा वीडियो है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन एक बार जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और जाने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज ईद है, और आप लोगों को ईद की ढेरों शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और ठीक है, धन्यवाद।